हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शोमिक। तो गाइस, मैं फिर से आगे हो आप लोगों के लिए एक और न्यू स्टाइल रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेके, जो कि आप लोगों ने प्रीव्यू पर देख लिया होगा। तो गाइस, आज का इस छोटा सा वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी अपने पसंद का फोटो को यूज करके प्रीव्यू का जैसा वीडियो बहुत ही आसानी से बना पाओगे। तो गाइस, जरूर वीडियो को पूरा देख लेना, और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल इस चैनल पे अपलोड करता हूं। तो गाइस, चलिए बिना देर करते हुए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो प्रीव्यू को जैसा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को भी एन ऐप का जरूरत पड़ेगा, और ये ऐप आप लोगों को बहुत ही आसान से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपके पास भी एन ऐप नहीं है तो इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। देन भी एन ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके या फिर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपका गैलरी खोल के आ जाएगा। अब आप लोग को ऊपर में वीडियो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आप लोग एक लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करना है, और इस लिरिक्स वीडियो का डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से लिरिक्स वीडियो को डाउनलोड करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये लिरिक्स वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों को ऊपर में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आप लोग जिस फोटो से इस वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो सिंपली उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वीडियो और फोटो यहाँ पे ऐड होकर आ जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा खींच करके एकदम लास्ट पे जाना है। नीचे आप लोगों को एक ब्लैक कलर लेयर देखने को मिलेगा जो यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाता है। तो सिंपली नीचे इस ब्लैक लेयर के ऊपर क्लिक करके पहले इधर से इसको डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये पे आप लोगों का वीडियो का ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप अभी देख सकते हो मेरा वीडियो का ड्यूरेशन 7.64 सेकंड है। तो यहाँ पे आपका जितना भी है इसको इंक्रीज करके आप लोगों को पहले 10 सेकंड से ऊपर करना होगा। तो यहाँ पे वीडियो का ड्यूरेशन इंक्रीज करने के लिए आप लोगों को नीचे फोटो लेयर के ऊपर क्लिक करना है। देन इस तरीके से इसको खींचोगे तो आप लोग ऊपर में देख सकते हो फोटो के ड्यूरेशन के साथ साथ वीडियो का भी ड्यूरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से पहले वीडियो का ड्यूरेशन 10 सेकंड से ऊपर कर लीजिए। देन ऐसे डन करके एकदम फर्स्ट पोजिशन पर चले आइए। आप इधर से आप लोगों को सॉन्ग को ऐड करना है। तो गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे वीडियो का ड्यूरेशन 10 सेकंड से ऊपर नहीं करोगे तो यहाँ पे जो सॉन्ग ऐड होगा वो पूरा सॉन्ग ऐड नहीं होगा। तो इसीलिए पहले आप लोगों को यहाँ पे वीडियो का ड्यूरेशन 10 सेकंड से ऊपर कर लेना है। देन आप लोगों को खींच करके फर्स्ट पोजीशन पर चले लेना है। अब इधर से आप लोगों को सॉन्ग को ऐड करना है। तो उससे पहले सॉन्ग वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। देन यहाँ पे उस सॉन्ग को ऐड करने के लिए आप लोगों को फर्स्ट पोजीशन पर चले आना है पहले। देन ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट पे, इसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन ऊपर में माई म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कोई भी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। फोल्डर ओपन हो जाने के बाद नीचे इंपोर्ट म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे वीडियो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किए हुए सॉन्ग वीडियो के पे सिलेक्ट कर लेना है। तो सॉन्ग वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करके बाद नीचे सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ओके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो उस वीडियो का जो सॉन्ग है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। अभी सॉन्ग के बगल में आप लोगों को एक यूज नेम का ऑप्शन मिलेगा, इस यूज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन सिंपली नीचे म्यूजिक बीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी सॉन्ग के ऊपर आप लोगों को ओनली 1 बिट मार्क को ऐड करना है, जो कि आप लोगों को 6.37 सेकंड पर ऐड करना है। तो यहाँ पे उस टाइमर को फॉलो करके इस तरह से खींचकर के फास्ट टाइमर यानी कि 6.37 सेकंड के ऊपर चले आइए। तो खिसका के फर्स्ट टाइमर के ऊपर आ जाने के बाद नीचे रेड कलर फ्लैग के ऊपर क्लिक करोगे तो एक बिटमार्क ऐड हो जाएगा। तो देन आप लोगों को नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर से नीचे रेड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो सॉन्ग यहाँ पे ऐड होकर आ जाएगा विथ बिटमार्क। तो इस तरीके से बिटमार्क वाला सॉन्ग यहाँ पे ऐड करने के बाद आप लोगों को खिसका के चले जाना है एकदम लास्ट पे। लास्ट पे जाने के बाद आप लोगों को जितना दूर सॉन्ग है उतना दूर नीचे जो फोटो है इसका ड्यूरेशन उतना दूर क्रॉप कर लेना कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से जितना दूर सॉन्ग है उतना दूर फोटो को क्रॉप कर लीजिए। देन ऐसे खिसका के एकदम फर्स्ट पोजीशन पर चले आइए। अब इधर से आप लोगों को एक इफेक्ट वीडियो को ऐड करना है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इफेक्ट वीडियो को वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इफेक्ट वीडियो डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे पहले फर्स्ट पोजीशन पर चले आइए। नीचे थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके वीडियो एंड फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर में वीडियो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया हुआ इफेक्ट वीडियो के ऊपर सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। तो ये इफेक्ट वीडियो है यहाँ पे ऐड हो जाने के बाद नीचे आप लोगों को थोड़ा सा खिसका के थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे फिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर में फुल स्क्रीन में एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फुल स्क्रीन में करने के बाद नीचे और थोड़ा सा आगे जाना है। नीचे आप लोगों को ब्लेंडिंग नेम का ऑप्शन मिलेगा, इस ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके या फिर इसको स्क्रीन पे सिलेक्ट करके नीचे सिर्फ राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो इफेक्ट वीडियो है इस तरीके से एडजस्ट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से इफेक्ट वीडियो को ऐड करने के बाद आप लोगों को खींच करके फर्स्ट बिटमार्क के ऊपर आ जाना है। अब इधर से पहले आप लोगों को एक टेक्स्ट फोटो को ऐड करना है। तो टेक्स्ट फोटो का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। देन फर्स्ट
बिडमा के ऊपर चले आना। अब इधर से आप लोगों को टेक्स्ट फोटो को ऐड करना है, तो पहले फास्ट बिडमा के ऊपर आ जाइए, सेम प्रोसेस नीचे थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे यहाँ पे वीडियो एंड फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन ऊपर में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किए हुए टेक्स्ट फोटो के ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए। टेक्स्ट फोटो ऐड हो जाने का तो पहले इसका ड्यूरेशन इस तरीके से खींच के पूरा वीडियो को अप्लाई कर दीजिए। देन नीचे फिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में कर लीजिए। देन नीचे सेम प्रोसेस थोड़ा सा आगे जाके ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, या फिर इसको भी स्क्रीन पे सिलेक्ट करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक कर देना है, तो जो टेक्स्ट फोटो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो टेक्स्ट फोटो ऐड हो जाने के बाद सेम प्रोसेस आप लोगों को खींच करके फास्ट बिडमार्क के ऊपर आ जाना है। अब इधर से आप लोगों को इंक इफेक्ट वीडियो को ऐड करना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। देन फास्ट बिडमार्क के ऊपर आ जाना। देन ऐसे सेम प्रोसेस थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे नीचे वीडियो एंड फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर में वीडियो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किए हुए इंक इफेक्ट को यहाँ पे ऐड करना है। तो इंक इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाने के बाद नीचे आप लोगों को सेम प्रोसेस यहाँ पे फिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर लेना है। देन नीचे और थोड़ा सा आगे जाके ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको स्क्रीन पे सिलेक्ट करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाना है। देन गाइस आप लोग देख सकते हो आपका जो वीडियो है प्रीव्यू का जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इधर से इसको सेव करने के लिए ऊपर में एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे एक्सपोर्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये जो वीडियो है आपका गैलरी पर सेव हो जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।